ना है। घोड़ों से रौंदे जाने और लाठियों से पीटे जाने पर भी हमें अपने स्थानों पर डटे रहना है। भारतीय जनता सम्मान पूर्वक इस कसौटी पर खरी उतरी। मैं कल 25 मई को नमक बनाऊंगा और संभवतः गिरफ्तार कर लिया जाऊं, इसलिए आगे का कार्यक्रम इस प्रकार होगा। नैनीताल में प्रतिदिन प्रातः 5 बजे स्वयंसेवकों का एक दल राष्ट्रीय झंडा लेकर वंदे मातरम और झंडा ऊंचा रहे हमारा गाता हुआ रोज जाएगा। बीच बीच में स्वयंसेवक महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय के नारे भी लगाएंगे। जुलूस हर रोज स्वराज आश्रम से चलकर तल्लीताल और माल रोड होता हुआ मंदिर पहुंचेगा और फिर वहां से रामलीला मैदान में विसर्जित होगा। सत्याग्रहियों को अचानक गिरफ्तारियों से बचे रहने के लिए नगर में अलग अलग स्थानों में बिखरे रहकर कार्य करना चाहिए। फिर भी उन्हें ऐसे स्थान अवश्य निश्चित कर लेने चाहिए जहां वे समय समय पर मिलकर आपस में परामर्श कर सकें। जहां जहां नमक बनाना है वहां स्वयंसेवक राष्ट्रीय झंडा लेकर इकट्ठा होंगे। उत्तेजक घटनाएं होने के बावजूद उन्हें अहिंसा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। A government which perpetrates such inhuman atrocities on unarmed and non-violent satyagrahis is not worthy of any cooperation. I therefore will not cooperate in the proceedings of this court. पुलिस ने उन्हें 2:30 बजे दोपहर को सत्याग्रह शिविर में ही गिरफ्तार कर लिया। यह समाचार सारे प्रांत में बिजली की तरह फैल गया। प्रांत के लगभग सभी बड़े नगरों में हड़ताल हो गई। नैनीताल में हड़ताल संपूर्ण रही। सायंकाल पंच को बधाई देने के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें श्री इंद्र सिंह नयाल ने नमक लेकर बेचा, वो उसी समय गिरफ्तार कर लिए गए। छब्बीस मई को पंत जी और श्री इंद्र सिंह नयाल पर श्री जे एम चार्ल्स की अदालत में मुकदमा चला। पंत जी ने अदालत के प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। My father was very active in the Congress movement during the pre-independence era, from the year 1919 to 1947, and Panthji used to come to our residence rather quite often. I remember one such incident when at almost midnight Panthji came with some 20-25 other congressmen. I think it was the year 1936, and all of us, including children, woke up. Almost the first thing that Panthji told my father was that all the 20-25 who were coming after touring number of villages were very hungry, and that whatever was readily available in the house should be brought. My mother and my grandmother, who was alive then, quickly got ready to prepare a meal for the friends, and my father told Panthji that there is not enough wheat flour in the house, so we'll have to mix all the bajra and makki and chana together, and that was done. When the chapatis were prepared and brought before Panthji, he enjoyed them so much and was so full of appreciation for that strange mix which he had never taken before that we were all very much moved. Then Panthji and all his colleagues slept on the floor. While a bed could be provided for Panthji, it wasn't possible to provide 20-25 beds for all the colleagues, and Panthji insisted that he will sleep
along with the other workers on the floor. असहयोग आंदोलन में धीरे धीरे वकालत छूटता गया। अन्य कोई आय तो थी नहीं। समय कठिन परीक्षा लेने लगा। इस अवधि में पंत जी एक लंबे अंतर्द्वंद से गुजरे। भावना और कर्तव्य के बीच एक लंबा और कष्टकर संघर्ष हुआ। अंत में कर्तव्य की जीत हुई और उन्होंने असहयोग की वेदी पर वकालत का बलिदान कर दिया। आय का एकमात्र स्रोत बंद हो जाने पर आर्थिक कष्टों और अभाव का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्हें नौकुचिया ताल की संपत्ति बेचनी पड़ी, फिर भवाली का बगीचा बेचने की नौबत आई। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि पंत जी के बैंक के खाते की सारी रकम समाप्त हो गई और एक दिन बैंक मैनेजर ने पंत जी को एक चिट भिजवाई, जिस पर लिखा था, ओवरड्राफ्ट हो गया है, आशा है भविष्य में ध्यान रखेंगे। याद मुझको आज भी ताजी है कि सबसे पहले 1940 में मेरी याद में, जब मैं 9 साल का था, उस वक्त उन्होंने हल्द्वानी में सत्याग्रह में भाग लिया, इंडिविजुअल सत्याग्रह में, और उस वक्त मैं उनके साथ खड़ा था और वो पुलिस के थाने में ले जाए गए। बाद में हम लोग वहाँ गए और उसके बाद अल्मोड़ा जेल में रहे, तो वहाँ भी मैं हर 2-3 महीने में शायद एक बार उनसे मिलने जाता था। तो मुझको हमेशा वो बहुत खुश नजर आए। इस लड़ाई में सरकार की मदद करना हराम है, अंग्रेजी राज का नाश हो, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग महात्मा गांधी के आदेशों का पूरा पालन कीजिएगा, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, ये समय काम करने का है। सन 1942 का अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन बंबई में ही चल रहा था। राजेंद्र बाबू को छोड़कर कार्य समिति के सारे सदस्य वहीं मौजूद थे। अंग्रेजी सरकार महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का नारा झेल नहीं पाई और 9 अगस्त 1942 को सूर्योदय के पूर्व ही पुलिस ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछा दिया। गांधी जी और श्रीमती सरोजनी नायडू को पूना के आगा खान महल में बंदी बना दिया गया, बाकी सबों को अहमदनगर किले में कैद कर दिया गया। आंदोलन और दमन का चक्र तीव्र गति से चलता रहा। बहुत दबाव के बाद सरकार ने दमनकारियों की जानकारी दी। कहा गया कि अगस्त से दिसंबर 1942 के बीच 60,229 लोग गिरफ्तार हुए, 18,000 नजरबंद थे, 940 पुलिस और सेना के हाथों मरे, 1630 व्यक्ति आहत हुए और 538 बार गोलियां चलाई गईं। पर किसी को सरकारी आंकड़ों पर विश्वास न हुआ। पंत जी के अलावा यहां कार्य समिति के 9 और सदस्य थे, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर प्रफुल्ल घोष, डॉक्टर पट्टाभि सीतारामैया, श्री आसफ अली, श्री शंकर राव देव और डॉक्टर सैयद महमूद। जेल में पंत जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पंडित नेहरू ने अपनी 20 जनवरी 1945 की डायरी में लिखा है, यदि किसी व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है तो वो पंत जी हैं।
इनकी अवस्था यहाँ आने के बाद से निरंतर गिरती जा रही है। वस्तुतः उनकी अवस्था अस्पताल में भर्ती होने या ऑपरेशन कराने के योग्य है, लेकिन वो सैनिक अस्पताल में जाना नहीं चाहते हैं और अपने दुख तथा रोगों को, जो बहुत गंभीर और कष्टकर हैं, कम करके बताते हैं। 15 अगस्त 1947 को काउंसिल पर झंडा चढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि आज अगर मैं मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो मुझे खुशी होगी कि मैंने जो मैं जिसके लिए मैं खड़ा हुआ था वो मैंने पा लिया। उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया माँ की प्रतंत्रता की बेड़ियाँ काटने में। सहा, झेला, यातनाओं का कोई हिसाब नहीं। बाहर गए, भीतर गए, जेल की बंद काल कोठरियाँ देखी और फिर भी कभी सर नहीं झुकाया। जब आवश्यकता पड़ी तो अपने उस विशाल काय हिमालय रूपी देह से हमारे जौहर जैसे रतन को भी बचाने की लाठियों से चेष्टा की और अपने आप को उनके सामने, एक ढाल के सामने पेश कर दिया। भारत माँ की सेवा में सारे ही समाज के अंगों की सेवा है, ये मानने वाले थे वो। गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में अनेकों बार वो जेलों में गए और जेल में बड़े आनंद से, कभी दुखी परेशान होके नहीं, आनंद से रहते थे। फिर खादी इत्यादि के बारे में, नशाबंदी के बारे में जो रचनात्मक कार्य, जो चरित्र निर्माण की तरफ गांधी जी का जोर था, उसमें भी वो पूरी तरह से पूरे उतरते थे। आज़ादी आने के बाद जो कार्य उन्हें सौंपा गया, चाहे वो स्टेट लेवल का था चाहे वो सेंट्रल लेवल का था, उन्होंने बहुत अनन्य श्रद्धा और भक्ति के साथ देश के प्रति अपना दायित्व समझ के उसको पूरा किया। अंत समय तक, आखिरी, टिल हिज लास्ट ब्रेथ, ही सर्व्ड इंडिया विद डिवोशन। फरवरी 1961 का दिन पंत जी की चेतना का अंतिम दिन था। उन्हें केंद्र में आए कुल 6 वर्ष 2 माह हुए थे। उस दिन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, अतः पंत जी सुबह से ही राज्यसभा में आ गए थे। बाद में वो श्री भूपेश गुप्त का भाषण सुनने के लिए रुक गए। सामान्यतया वो सभा में बैठे बैठे ही बोला करते थे, किंतु उस दिन उन्होंने खड़े होकर एक औचित्य प्रश्न भी उठाया। पंत जी दिन भर संसद में बहुत व्यस्त रहे। घर लौटने के बाद उन्होंने अपने निजी सचिव जानकी बाबू को बुलाया और अभिभाषण पर अपना उत्तर देने के लिए नोट लिखवाने लगे। बोलते बोलते वो बहक से जाते थे, जैसे स्मृति भंग हो गई हो। जानकी बाबू को लगा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पंत जी पुनः चैतन्य हो गए और अपने विषय पर आ गए। वो फिर से डिक्टेशन देने लगे, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने आंखें मूंद ली और वो विश्राम करने लगे। जब उनको स्ट्रोक हुआ तो मेरी पत्नी और मैं उसी वक्त शाम को लौटे थे सिनेमा देख के, तो उनके कमरे में गए तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर में आज दर्द हो रहा है। और राज्यसभा के किसी डिबेट का जवाब वो तैयार करा रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा कि आप रहने दीजिए, किसी को बुला लीजिए। तो ये हुआ कि अशोक सेन साहब को बुलाया जाए, तो उन्होंने अशोक सेन साहब को बुलाया और जब वो आ गए और उनसे उन्होंने कहा कि कल तुमको जवाब देना है, उसके बाद
वो बेहोश हुए। Suddenly I get a telephone call from Janki that Panji is not well. He wants you to come immediately. So I went to see him at what is now the Vice Presidential House. He used to stay there, number 6 King Edward Road, it was called at that time. I found him rather ill, and he had sheaves of paper in front of him. And Janki told me that he was dictating his notes the whole day. So Panji told me, I'm not feeling well. You will have to reply to the debate tomorrow. It was a great honor for me. I was then a very young man of 42 years of age, 42, 43. I was the youngest member of the cabinet. And he was telling me what to say. And as he was talking to me, he just became unconscious. His lips quivered and he became unconscious. And that great mind never recovered his consciousness after that. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन तो तेने